नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। स्टूडेंट वीजा के रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। सभी को पता ही है कि दिल्ली में जो बात करते हैं लॉकडाउन लग चुका है, कंप्लीट लॉकडाउन लग चुका है, और मुझे बहुत क्वेश्चन बच्चों के आ रहे हैं कि हमारी वीजा प्रोसेसिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या मैसेज ओपन है कि नहीं है, क्या हमें कोई भी अपडेट अब नहीं मिलेगी इसमें। वो हर कंट्री के स्टूडेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्पेशली यूके और कैनेडा वाले। कैनेडा वाले स्टूडेंट का भी जो वीजा प्रोसेसिंग है, पासपोर्ट पेस्टिंग का जो काम है, वो पेंडिंग रहता है। यूके के भी प्रोसेसिंग दिल्ली से होती है। तो इन सभी क्वेश्चन के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो उम्मीद है आप वीडियो अगर एंड तक बने रहेंगे तो आपको सारी डिटेल जो है वो क्लियर कट समझ में आ जाएगी। स्टार्टिंग में अगर मेरी एडवाइस है, वीजा प्रोसेसिंग स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं आप, किसी भी कंट्री की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वीजा ऑफिस की टीम को 9041090410 पे कॉल कर सकते हैं। तो देखिए, इम्पैक्ट की अगर बात करते हैं तो क्या कोई इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो मेरा आंसर है यस। वीजा प्रोसेसिंग के ऊपर, वीएफएस सेंटर की प्रोसेसिंग के ऊपर टोटली इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का कि दिल्ली में लॉकडाउन की सिचुएशन। हालांकि एम्बेसीज कंप्लीटली बंद नहीं होगी, लेकिन वहां पे कुछ प्रोसेसिंग चल रही है, लेकिन बाकी सर्विसेज की अगर बात करते हैं तो इम्पैक्ट पड़ना है, क्योंकि हर वीएफएस ग्लोबल ने, जहां आप बात करें जो दिल्ली से अपडेट होता है, एम्बेसीज ने अपडेट किया है प्रोसेसिंग डिले को लेके। ज्यादा इम्पैक्ट होंगे इसमें यूके वाले स्टूडेंट और कैनेडा वाले स्टूडेंट। यूके वाले स्टूडेंट, अगर आपकी फाइल प्रोसेसिंग में लगी हुई है तो देखिए रिजल्ट में थोड़ा सा डिले आएगा, लेकिन प्रोसेसिंग रुकेगी नहीं। क्लियर कट में एडवाइज है, प्रोसेसिंग रुकेगी नहीं, लेकिन जो पासपोर्ट डिलीवरी है, पासपोर्ट डिस्पैच होना वहां से वीएफएस सेंटर के साथ, जो कुरियर सर्विस होती है, वो भी इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको लॉक करेंगे तभी वो जाएंगे, अदरवाइज वो प्रोसेसिंग हफ्ता 10 दिन के लिए होल्ड पे चली जाएगी। अब जो कैनेडा वाले हैं, आपको पता होगा कि आपकी पीपीआर आने के बाद एक प्रोसेस होता है कि आपने पेमेंट लिंक आना है, आपका कोरियर पिक होना है, वो दिल्ली जाना है, वहां से वीजा पेस्टिंग होनी है, तो ये सारा प्रोसेस जो होता है इसमें भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जिनकी वीजा पेस्टिंग रहती है उनको भी डिले फेस करना पड़ेगा, और सीधा सीधा दिल्ली के लॉकडाउन का इंपैक्ट वीजा प्रोसेसिंग के ऊपर आपको दिखेगा। इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं समझ सकता हूं इतने वेट के बाद, इतने इंतजार के बाद कैनेडा वाले बच्चों को वीजा मिला है, या यूके वाले बच्चे भी इतने टाइम के बाद वीजा गेन करके बैठे हैं, उन्होंने अब जाना है लेकिन पासपोर्ट डिस्पैच नहीं हो रहा, या आगे ट्रैवल को लेके जैसे यूके में हुआ कि इंडिया को रेड लिस्ट होती है कंट्री की, उसमें ऐड कर दिया। तो ये देखिए टेम्परेरी इम्पैक्ट रहना, तो 1-1.5 महीना आपको इम्पैक्ट पड़ सकता है इस चीज से, लेकिन कंट्रीज ओपन होनी होनी है। दुआ कीजिए सभी हम अगर सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी का यहाँ भी ध्यान रखें, कोशिश करें हर बंदा इन्वॉल्वमेंट करे, कोविड के केसेस कम हो, हम बिना काम के बाहर ज्यादा ना निकलें, मास्क लगा के रखें। सो ऐसी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो हम इंडिया के केसेस भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसी का इंपैक्ट पड़ेगा आपकी वीजा प्रोसेसिंग के ऊपर। अगर केस कम हो गए तो वीजा प्रोसेसिंग दोबारा से फास्ट हो जाएगी, और एम्बेसी वर्क कर रहे हैं लेकिन लिमिटेड ऑपरेशन में, क्योंकि ओवरऑल पूरा दिल्ली जो है स्टैंड स्टिल सिचुएशन की तरफ बढ़ रहा है। सो मेरी एडवाइस है, अगर वीजा प्रोसेसिंग को लेकर डिले लगता है तो ये अभी आपको आएगा, ये टेम्परेरी तौर पर रहेगा, ये परमानेंट नहीं है। सो आप इन चीजों का ध्यान रखिए, अगर प्रोसेसिंग डिले है तो आप थोड़ा सा मैनेज आपको करना पड़ेगा। जो पासपोर्ट पीपीआर होती है आपकी 30 डेज लिखा है, लेकिन वो ज्यादा टाइम के लिए वैलिड है, डोंट वरी। यूके का वीजा भी 3 महीने का वीजा आएगा, तो ट्रैवल को लेके अगर इंपैक्ट पड़ता है तो डोंट वरी, आप पहुंच जाओगे, क्योंकि ये टेम्परेरी तौर पे जो इंप्लीमेंट किया गया है। सो और अपडेट जब आएगी, कोई और सिचुएशन चेंज होती है, तो मैं किसी नई वीडियो में आपसे जरूर शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।